भगवान राम में हम सभी की आस्था है। ये आस्था तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब साइंस के तमाम नियमों के विपरीत कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में है। ये तस्वीर है कानपुर के सजेती इलाके में बहने वाली यमुना नदी की, जहां पानी में तैरता राम नाम लिखा ये भारी भरकम पत्थर चर्चा का विषय बना हुआ है। मौनखत गांव के पास से गुजरने वाली यमुना नदी के पानी में पत्थर तैरने की खबर जंगल में फैली आग की तरह पूरे इलाके को मिल गई। उसे देखने और पत्थर के दर्शन के लिए आसपास के गांव से लोगों का जमावड़ा लगने लगा। यही नहीं, यहां पर लोग दर्शन कर पूजा तक करने लगे। ग्रामीण इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। हमको वहाँ जमुना जी में मिला था, पड़ा पानी में पड़ा था, उतरा रहा था, तो हमने उसको उठाया जाल के बांधने के लिए, तब वो उतराने लगा, तो फिर हमने उसको नहीं बांधा जाल में, नाव में रख लिया। हमने सोचा कि उसको बांट आंट बना देंगे फोर फार के मछली तोलने के लिए। तो फिर एक लड़का हमारा कोई जोड़ीदार आया, एक कल्लू, वो बोला इसमें राम राम लिखा है, इसको फोड़ना नहीं तुम। तो हमने कहा ठीक है, तो हम उसको डाल दिया रेता में, वहीं रेता में दो तीन महीना पड़ा रहा। अब वही बात फिर अभी दो तीन दिन पहले फैल गई, सो यहाँ मान ले पूजा पाठ धरवा दिए गए ऊपर। हमारे गांव में यमुना जी बिल्कुल किनारे हैं और वहीं पर राम राम नाम का पत्थर जो है उतराता हुआ करीब 15 किलो वजन का है, उसमें चारों कोनों में राम राम लिखा हुआ है, वो हम हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। पत्थर का क्या किया? पत्थर को हम लोगों ने जो हमारे यहाँ बजरंगबली हैं उनके यहाँ रख दिया गया है, जो बजरंगबली की मूर्ति है वो ऊंचे पर है और उसी यमुना के तट पर ही है, वहीं पर जो है रख दिया गया। यमुना में इस पत्थर के मिलने के बाद स्थानीय लोग कई तरह के कयास लगाने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम ने लंका विजय करने के लिए जिन पत्थरों से राम सेतु बनाया था, ये पत्थर उसी सेतु का एक हिस्सा हो सकते हैं। वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि हो सकता है पत्थर ऊपर से सिर्फ सख्त दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला है, शायद इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, कानपुर।